बहुत अच्छे तरीके से खान साहब के पैसे, खान साहब 200 रुपीज ना। खान साहब ये क्या हुआ, लिटा दी भाई काबले। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मे को सोलवा रोजा भी। वेलकम टू माई अनदर व्लॉग। देख सकते हैं कि मैं कहीं सड़क पे मौजूद हूँ, और वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी बाइक की सर्विस कराने, और ये देख सकते हैं कि कार सर्विस स्टेशन है, अंदर हमारी बाइक खड़ी है और खान साहब तो अभी गाड़ी में लगे हुए हैं। देखें खान साहब गाड़ी वॉश करेंगे, उसके बाद कहीं जाके हमारी बाइक खड़ेगी। गाड़ी वॉश करने के बाद इंशाल्लाह हमारी बाइक की बारी, हम ये अपनी बाइक की हालत देख लें। ये देखिए गंदी पड़ी हुई है, इसलिए हमने कहा कि खुद धोने से बेहतर है कि इसको लेकर जाए सर्विस स्टेशन पे, उधर जाके अच्छी इसकी सर्विस करवाएं, डीजल डूजल लगवाएं इस पर, फिर जाके कहीं हमारी बाइक सेट होगी। खान साहब कितनी देर लग जाएगी, 10 मिनट में चले गाड़ी साफ करके फिर हमारी भी कार। ये बाइक की बारी, बस खान साहब ने पीछे खड़ी कर दी है, खान साहब ने गाड़ी वॉश कर ले। खान साहब आए यार जल्दी, और आपको मैं स्पीड दिखा दूँ। ये देखो ये है कीमा, ये आपके हिसाब से क्या मुझे मिला हो, ये दिया भाई साहब मुझे 750, वो भी हड्डी वाला, और जो हड्डी वाला हड्डी के बगैर था वो था 900 रुपीज़ का। मैंने कहा भाई हड्डी वाले दे दो ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आप ये कीमा लेके आ चुके हैं, और मैंने सोचा कि बाइक बहुत गंदी हुई है उसको धुलवाते हैं, और खास कर पहुँच चुके हैं हमारी बाइक बोले पहले देखते हैं। खान साहब गुड जॉब, ध्यान से दो ध्यान से जल्दी जल्दी। ओह हो खान साहब सही नहीं किया, सारे कपड़े गीले कर दिए आपने। अब इसकी सर्विस भी देख लेते हैं क्या रुपीज है, सामने प्राइस लगी हुई है, अब अपनी प्राइस देखते हैं कि हमारी प्राइस क्या प्राइस है, कितने में भाई साहब करते हैं। छोटी गाड़ी सर्विस 500, छोटी गाड़ी 5, मोटरसाइकिल की सर्विस है वो है 150, और 150 लाए हैं, और डीजल हम अपना लाया है क्योंकि डीजल खान साहब सही अपना ही लगवाए थे, क्योंकि अपना डीजल सही होता है। खान साहब कर रहे हैं गाड़ी वॉश, क्या मैं कहा सर्विस कितनी दे रहे, कह रहे 150 डीजल मार के 200, तो ये आप खुद ही साफ लगाने पे, अपना डीजल होता है तो क्या खास है, सिर्फ 10-20 रुपए लगते हैं उसको डीजल मारने पे, और हमारी बाइक तो इधर साबुन लग चुके हैं वो जूते। हाँ 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 खान साहब तो कमाल ही कर रहे हैं, खत्म तो नहीं हो गया, खत्म तो नहीं हो गया इसको, खत्म तो नहीं हो गया साबुन। रोजा खान साहब हाँ है वेरी गुड, रोजा अल्लाह का शुक्र रखा है सारे रखे। हाँ मौसम सही है तो खाए रोजा रखने में मजा भी आता है आपको, भूख ही नहीं लगती अब।
ये हमारी बाइक है और यह हम बाइक वॉश करवाने आए हैं क्योंकि बाइक जो हुई है काफ़ी दिनों से, पता तो है जब बाइक जाती है पानी में तो उसका हाल क्या होता है, जब कीचड़ में जाती है तो और भी बुरा हाल हो जाता है। तो इससे अच्छा जब घर में साफ नहीं धुलती तो हमने सोचा कि आज सर्विस पे लाए और बाइक को साफ करवाएं। अगर हम खान साहब धो रहे हैं उधर बाइक को, हम इधर मार रहे हैं बिल्लिया तो नहीं, खैर पेपर है तो पेपर में बिल्लिया नहीं मारी जाती। इंशाल्लाह सुबह मिल जानी रोल नंबर स्लिप, साल लेके चलेंगे और देखेंगे कि हमारा बोर्ड किधर बना है, दूसरे दोस्त के साथ हमारे उनका बोर्ड किधर बना है। इंशाल्लाह अच्छी जगह भी बनाएगा क्योंकि अल्लाह ताला करवाता है कि ऐ बंदे फिक्र ना कर, बेशक तेरे लिए बेहतर ही लिखा होगा, इसलिए हमने टेंशन नहीं लेनी, बस मेहनत करनी है, इंशाल्लाह मेहनत का फल जरूर मिलेगा हमें, जैसे खान साहब को मिल रहा है। खान साहब ये क्या हुआ, लिटा दी भाई काबले? अच्छा साफ कर रहे हैं, चलो कुछ नहीं होता। चमका देनी है बाइक सही से, पानी मारने लगे खान साहब, देखते हैं क्या हाल होता है हमारी बाइक का जब साफ हो जाती है। गंद काफी है यहाँ से, इसे आपने नीचे से कर लिया। प्रेशर की बात और एक खान साहब ने बाइक खड़ी, लगते नहीं है जान में है इतने, लेकिन जान ऐसे ही लगता, पता हाथों में काम होना चाहिए और खान साहब के तो हाथों में समान ही है। और खान साहब क्या हाल है, ठीक है? भाई साहब बोलते हुए पता नहीं खान साहब दोनों क्या हो गया, मसला हो गया कोई, एक दूसरे लड़ाई डिस्कशन होने वाली है। भैया हम तो अपनी बाइक लेके निकले, वरना इनकी लड़ाई होगी तो हमें बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि खान साहब खानों का आपको पता किस तरह से लड़ते हैं। तो बाइक तो बहुत शौक है, सिर्फ साफ कर रहे हैं, साफ कर लेते हैं, पैसे देते शूटर में इनको क्या आएगी। बहुत अच्छे तरीके से खान साहब के पैसे, खान साहब 200 रुपीज ना, 150 है भाई साहब, 200 किस चीज़ के दे रहे हैं, जब डीजल ही मारा अपना था। हाँ हाँ ये लेके जाना है, खान साहब कह रहे हैं ये भी तो लेके जाना है। हाँ ये देखें, ये भूल जाता ना, घर वालों ने छोड़ना नहीं था, बाइक रेडी है बिल्कुल। ये देखें हर तरफ से बिल्कुल रेडी है, आपको नज़र आ रही होगी। अब मैं भी जा रहा हूँ घर, क्योंकि बाइक धुल गई है और पेपर की तैयारी करनी है, घर जाके फारिग नहीं बैठना। सारे जो भाई हैं मेरे उन सबको भी मैं ये कहूँगा, फारिग नहीं बैठना इन पेपर में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी लाइक में शेयर करके जरूर बताएगा। अब हम आपको मिलेंगे नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़ भाई, टाटा बाय बाय।